हे एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ निविया के मॉइस्चराइजर का। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये है हमारा प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हो, हमारा प्रोडक्ट हमें कुछ इस तरह की बॉटल में रिसीव होता है। तो ये प्लास्टिक की बॉटल है और बहुत ही ज़्यादा गुड क्वालिटी की ये बॉटल है। तो आप इसे आसानी से कहीं भी कैरी कर सकते हो। जो इसका कैप है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अब बात कर लेते हैं इसके ऊपर लिखी इसकी पूरी डिटेल की, इसकी पैकेजिंग की। तो इस पे लिखा है निविया एलो हाइड्रेशन 48 आवर रिफ्रेशिंग मॉइस्चराइज केयर, और यहाँ पे लिखा है डीप मॉइस्चराइजर सीरम है ये एंड एलोवेरा के साथ। नॉर्मल स्किन वालों के लिए है ये, और इसका जो नेट वेट है वो है 75, और जो इसका MRP है वो है 80। सो गाइस, मैंने इसे मंगवाया था amazon.in से। आप चाहो तो इसे मार्केट से भी परचेज कर सकते हो। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से इसे चेक कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं कि ये कौन सी स्किन के लिए बढ़िया है और ये हमारी स्किन पे किस तरह से वर्क करती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि ये नॉर्मल स्किन के लिए बेस्ट है, बट अगर आप ड्राई स्किन वाले हैं तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, बिकॉज ये ड्राई स्किन वालों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा मॉइस्चराइज़र है। आप सभी को पता है कि समर्स में हमें अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना होता है, तो इस तरह के मॉइस्चराइज़र से आप अपनी स्किन को हाइड्रेट रख सकते हो। बिकॉज ये डीप मॉइस्चराइज़र है तो आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है, और इसमें एलोवेरा है तो आप सभी को पता है कि एलोवेरा के कितने बेनिफिट हैं। तो मैंने एलोवेरा पर एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं उसे। तो गाइज, अगर आप ड्राई स्किन वाले हो तो भी आप इसे यूज कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है, आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसके बेनिफिट क्या है इसको लगाने के, और ये हमारी स्किन पे किस तरह से वर्क करता है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि ये डीप मॉइस्चराइजर है और ये जल्दी हमारी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है, और ये हमारी स्किन को स्मूथ बनाता है, रिफ्रेश्ड बनाता है, और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और ये एक ही एप्लीकेशन में आपकी स्किन को डीप मॉइस्चराइज करता है। और यहाँ पे लिखा है कि ये 48 आवर तक आपकी स्किन को डीप मॉइस्चराइज रखता है। तो गाइज, समर्स में हमें अपनी स्किन को ज़्यादा मॉइस्चराइज रखने की ज़रूरत होती है, बिकॉज समर्स में हमारी स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है, खासकर ड्राई स्किन वालों की और नॉर्मल स्किन वालों की। तो हमें अपनी स्किन को बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट रखना पड़ता है, स्किन का pH बैलेंस है वो भी अच्छा रहता है। तो जब भी आप क्लिंजिंग करते हो, टोनिंग करते हो, उसके बाद अपना मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं, क्योंकि मॉइस्चराइजर हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। और आप चाहो तो इस तरह के मॉइस्चराइजर को यूज कर सकते हो अगर आप ड्राई स्किन वाले हैं। तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो गाइज, मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ ये वाला मॉइस्चराइजर। तो जो इसका फार्मूला है वो भी बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। गाइज, अगर आप ड्राई स्किन वाले हो, नॉर्मल स्किन वाले हो, तो एक बार इस मॉइस्चराइजर को जरूर ट्राई करके देखें, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मॉइस्चराइजर है, और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। तो आप एक बार इसे जरूर ट्राई करें, मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ। मैंने इसे खुद ट्राई किया है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो के लास्ट में मैं बस इतना ही कहूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैं ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस, लव यू ऑल।